क्या मतलब है? मुझे लगता है थोड़े दिन तक गुजरात के सेक्रेटेरिएट में भी रात को ही बिजली आनी चाहिए, इन मंत्रियों को भी थोड़े दिन रात को ही काम करने का मौका। इनको बोलो तुम भी रात को काम करोगे, रात को दफ्तर खुलेगा, रात को बिजली। ये क्या मजाक बना रखा है कि किसानों को रात को बिजली देते? सारी सारी रात किसान जागेगा तो फिर वो सोएगा कब? अपनी जिंदगी कैसे जिएगा? और वो भी 6-7 घंटे की बिजली देते हैं, और वो भी इतनी महंगी देते हैं। अभी वहां पे भाई साहब बता रहे थे कि 5-5 हजार रुपए महीने का बिल उनको देना पड़ता है, नया कनेक्शन नहीं मिलता है, कई कई सालों का वेटिंग लिस्ट है, और वो 6 घंटे जो आती है उसमें भी पावर कट लगता है। मेरे को याद है पिछले 2014 के चुनाव के पहले बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली भी आए, उत्तर प्रदेश भी गए, जब चुनाव लड़ रहे थे लोग, पूरे देश में जा जाके उन्होंने छाती चौड़ी करके बोला गुजरात में बिजली जाती है, यहाँ पे बिजली आती है तो न्यूज बनती है। अब मेरे को पता चला यहाँ पे तो बिजली जाती बहुत है, और न्यूज क्यों नहीं बनती है? बेचारे न्यूज वालों को डरा रखा है, न्यूज वाले सारे डरते हैं। आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों का कसूर नहीं, आप हमारी तरह हैं। जैसे उन्होंने पूरे देश को डरा रखा है ऐसे आपको भी डरा रखा है। तो न्यूज बनती ही नहीं है, बिजली जाती है तो न्यूज बनती नहीं है। आज पता चला बिजली कितनी जाती है, इसलिए मैंने पूछा अभी आप लोगों से पूछा कि बिजली जाती है क्या। आप लोगों ने कहा जाती है, बहुत जाती है, गांव में भी जाती है, शहर में भी जाती है। तो पूरा झूठा प्रचार किया हुआ। जब हम पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़े थे उसके पहले मैं दिल्ली की गली गली में जाया करता था, लोगों से बात किया करता था। हमारे से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वहां इतने बिजली के बिल आते थे, लोग रोते थे। मैं जिस गली से निकल जाता लोग अपने बिजली और पानी के बिल लेके खड़े होते थे दिखाने के लिए कि देखिए सर इतने हजार रुपए का बिल है, हम अपना परिवार कैसे पालेंगे, एक बिजली का पंखा, एक ट्यूबलाइट और उसके बाद इतने हजार रुपए का बिल होता था। मैंने शीला दीक्षित जी से निवेदन किया कि आप बिजली के बिल कम करो। उस टाइम हम फ्री बिजली की बात नहीं करते थे, हमने कहा कि ये बिजली आपने बिल बहुत ज्यादा। डॉक्टर कहते हैं कि अगर शुगर का मरीज 3-4 घंटे अगर भूखा रह जाए तो उसकी शुगर गिर जाती है और उसकी मौत हो सकती है। कई डॉक्टरों ने, मेरे परिवार वाले बड़े नर्वस हो गए कि ये 15 दिन का अनशन कैसे करेगा।